जय जीवदानी। गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना में मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर श्रोताओं के साथ इस दिन की आपको देती हूँ मैं ढेर सारी बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। क्योंकि एक नया दिन देखा आपने, एक रात को जब सोए थे तब सोचा नहीं था कि सुबह होगी नहीं होगी, लेकिन जो ये कंफर्ट जोन में आप चले जाते हैं बिस्तर में घुसकर रजाई ओढ़कर, तो आपको ऐसा लगता है आप माँ की गोद में सो रहे हैं, आप सो जाते हैं, आपको नहीं पता होता होने क्या वाला है और इतना ज़्यादा आपका रिलैक्स होता है माइंड के, हाँ अब सो रहा हूँ मैं या सो रही हूँ। तो ये जो कंफर्ट जोन है ये आपको ना पता चलते हुए भी, ये भी नहीं पता कि कल होगा क्या, तो भी आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। ये कैसे आता है? ये एक माइंडसेट है, क्योंकि ये एक दुनिया का रीति रिवाज, सृष्टि का रीति रिवाज जो बना हुआ है कि रात को सो जाना है और सुबह उठ जाना है। फिर होता क्या है कि आप आजकल की जो जनरेशन है जो रात को जागती रहती है और दिन में सोती है, वो उल्टा करके सृष्टि के चक्र से जब उल्टी होती है तो उसकी जो बॉडी फिजिकल कंडीशंस हैं उसकी बिगड़ जाती हैं, क्योंकि आपने तारतम्य नहीं रखा नेचर से। जो नेचर में अग्नि जल धरती वायु आकाश जो नेचर में था, वही अग्नि धरती और जल वायु आकाश आपकी बॉडी में है, तो डिसबैलेंस हो जाता है। जैसे अगर आपको सूर्य आसमान में, उस समय आप पानी ज़्यादा पिए, अपने जल तत्वों को मेंटेन रखें, सूर्य में बैठें, सूर्य तत्वों को मेंटेन रखें, आकाश तत्वों को जब सूर्य आकाश में है उस समय मेंटेन रखें, तो इन तत्वों को आपने मेंटेन नहीं किया और आप देर रात तक सोते रहे, देर रात को सोए और सुबह जो है देर तक सोते रहे, तो ये जो सोने और जागने की प्रक्रिया जो है उसके बीच आपकी एसिडिटी बढ़ गई, आपकी जो अंदर की जो माइंडसेट है वो बिगड़ गया, आप चिड़चिड़े हो गए, आप क्रोधी हो गए, ये सब नहीं होना चाहिए ना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, टाइम पे सोना शुरू कीजिए, टाइम पे जगना शुरू कीजिए, जो काम आप रात को करते हैं वो दिन में कीजिए जहाँ तक हो सके। कई बार ऐसा भी होता है जैसे वॉचमैन की ड्यूटी नाइट ड्यूटी होती है तो उस स्थिति में वो हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन जो लोग हेल्प कर पाते हैं उनको हेल्प करनी चाहिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। अपना ध्यान रखें, अपने तबीयत का ध्यान रखें और दिन को एंजॉय करें। आने वाला दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, ऐसा मैं कामिनी खन्ना आपको शुभकामनाएँ देती हूँ। गॉड ब्लेस यू।